روشن ہے زمانہ اس کے تخیل کی ضیا سے اب موڑ دو اشعار کا رخ سوئے رزقم کہ شمشیر تو پھر بخش دو انداز تکلم بول مداری بول مداری کھول پٹاری کھول پٹاری بھارت دیش کی ریت پرانی اوپر نیچے سب
छोटे ऊंची चोली हाथ भिखारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा राज करेगी क्या एक नारी गोला और बारूद की खातिर दर दर फिरती है बेचारी अंदर खाना जंगी बाहर लड़ने की तैयारी जमहूरियत के साए में हर अकलियत है दुखियारी टुकड़े टुकड़े होने को हैं सारे सूबे बारी बारी भारत देश को ले डूबेगी मैं ना मानू की बीमारी भारत देश को ले डूबेगी मैं ना मानू की बीमारी भारत देश को ले मुझे ला
चाहते मेरी गोलियां आप ही ना कहीं इधर उधर कर दी। अरे आप नहीं चाहते मैं शिकार खेलूं, शी वर्गा जवान बेटा। अरे बेटा आपका अरे राम जाने, मैं भी तुम्हारा बापू गोलियां कुछ खाक चलाएगा। अरे खट्टू मैंने सोचा था तुम कुछ कारोबार कर लेगा और शिव जी के मंदिर के सामने रेडी लगा ले नारियल की। नारियल तो घर के है, सिर्फ रेडी लगानी है। अरे पिताजी अब देखे मैं इस उम्र में ए जवान हट्टा कट्टा रेडी लगाता अच्छा लगता हूँ मैं आपको। अरे कहा मुझे अपने सूद वाले कारोबार में धकेल रहे हो आप मुझे। अरे प्रॉफिट का काम है राम। अरे क्या जानते हो तुम, अभी इस मकान की किस्तें देनी है रहमान की। किस्तों से याद आया मुझे पिताजी, ये रहमान चाचा ये वादी छोड़ के क्यों गए। वो कारोबार छोड़कर मकान बेचकर चले गए दिल्ली, न जाने उधर क्या कर रहा होगा। सही तो गए हैं वो। अरे देखे ना हिंदुस्तानी फौज और आप जैसे जालिम लोग मुसलमानों को वादी में जीने ही नहीं देते थे। सुधरेगा ये बेटा, मैंने सोचा था शायद कारोबार कर लेगा लेकिन नहीं, आज कल की बात। अरे पिताजी ये देखिए कौन पिदारा है। अस्सलाम वालेकुम नथुलाल, क्या हाल है। अरे ये कहां से टपक पड़ा मुसला नथुलाल, क्या हो गया तो मुझे देख के मुंह उधर कर लिया। अरे मैं तो रहमान खुशी से फूले नहीं समा रहा। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, क्या हाल है बहना। अल्लाह का शुक्र। सुरक्षित हो? माशाल्लाह भी अपना नथुलाल, मकान तो तूने मेरे वाला जो है वो अच्छा खासा बदल दिया। नीयत नहीं बदली, तबीयत भी नहीं बदली और आदत भी नहीं बदली। देखना तेरी वही भूलने वाली आदत मुझे यहाँ आने पे मजबूर कर गई। अरे चाचा अगर तू पैसे भेज देता दिल्ली तो मुझे यहाँ आना तो ना पड़ता। अरे रहमान बस वो पार्टी ने जरा पैसे देने में देर कर दी इसीलिए मैं लेट हो गया। चिंता किस बात की, मैं चिंता क्यों ना करूँ, बच्चों को अकेला छोड़ के आना पड़ा मुझे। अब तुम आ गए हो, दो चार दिन बाद ये में रहो, तुम्हें पता चले वादी के लोग कैसे। दो चार दिन में पैसे दे देना। चाची जान आप ही आइए, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके आने से। अरे खट्टू खुश होता रहेगा, जाओ चाचा जी के लिए कुछ भोजन का इंतजाम करो। तुम्हारा बेटा वो रामलाल नहीं है। जी जी इसकी इतनी नजर कमजोर हो गई, अनेक लगा ली। जी चाचा जान नोट जो कितने होते हैं ना पिताजी के। अरे अरे शकुंतला दीदी आओ रहमान, आओ बेटा आओ, आओ अंदर चले, आओ बहना, आजा आजा तुम्हें पैसे दे देंगे। चिंता कैसे ना करूं, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान।
आजादी में घूमना क्या खाक है, आजादी रह गई घूमने के काबिल, जगह जगह तो लड़ाई फसाद दंगा, कहीं जाने की जगह है हमारे लिए? जाना कहाँ है, ये घर आपके लिए स्वर्ग है। अच्छा स्वर्ग है जो भी है, अब जल्दी करो मेरे पैसों का बंदोबस्त करो, अगर आप बच्चों को लेके वापस दिल्ली जाऊँ। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, कश्मीर अब भारत का अटूट अंग है, भारत का हिस्सा है। कश्मीर में आज से भारत सरकार की तरफ से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, कोई भी कारोबार या जलसा जुलूस करते हुए नजर आया तो उसको गोली मार दी जाएगी। लिहाजा जिसको अपनी जान प्यारी है वो अपने घरों में रहें और भारत सरकार के आर्डर का इंतजार करें। ऐलान खत्म हुआ। यही चाहते थे तुम, मेरे बच्चे को भी बुला लिया और मुझे भी जा बता दिया, अब कैसे वापस जाऊंगा मैं? अरे वापस की चिंता मत करो, वापस किसने जाने देना है तुम्हें रहमान? आओ आओ बच्चों को भी ले चलो भोजन के लिए। कैसा शोर है, क्या हो गया? बेगम कर्फ्यू लग गया बाजी में, और ये बच्चे घर से निकल नहीं सकते, बच्चे को किसने बुला लिया? हाय अल्लाह, मैं तो भाई तुम्हारा बेड़ा गर्क, तुमने हमारे बच्चों को भी बुला लिया। अरे बहन सुरक्षित हो जाओ, चिंता किस बात की? चिंता क्यों ना करें, वापस कैसे जाएंगे? वापस वापस का भी बंदोबस्त हो जाएगा। अरे बच्चों को भोजन तो आपके लिए भोजन तैयार है। क्या हाल है दीदी, कैसी हो? अरे क्या हाल है वो, अरे चलो सर। वादी में हलचल मची हुई है और खास तौर पर मुसलमानों में, जो कि आजादी और पाकिस्तान के बड़े नारे लगा रहे। अच्छा वो नारे लगते रहे और तुम मुंह पाके देखते रहे, क्यों? सर वो हमने आंसू गैस भी छोड़ी है और लाठी चार्ज भी किया है। नो मेजर विष्णु, नो, नो टियर गैस, नो लाठी चार्ज, डायरेक्ट मुसलमानों पे भेजे ना गोली मारो। ऐसा ही होगा, दूसरी कोई बात मुझे नहीं सुननी। नमस्ते नमस्ते विजय बाबू। अरे आइए पंडित जी आइए। नमस्ते विजय बाबू, ये तुम्हारे जो चेले हैं बहन, बार बार जगह पे तलाशी ले रहे हैं, मुंह सूख रहे हैं, एक हफ्ते से मुलाकात की चिंता कर रहा हूँ। अरे पंडित जी ये सब आपके लिए थोड़ी है, आप भी तो हमारे हिंदू भाई हैं, ये सब जो है ना ये हमने मुसलमानों के लिए किया हुआ है। ये जितनी भी सख्तियां हैं, हम चाहते हैं कि इस वादी में मुसलमानों का बच्चा भी जिंदा न रहे। अरे फिटुआ, इस दफा भी भारत सरकार ने ज्यादा सख्ती नहीं कर दी, इस तरह मुसलमान बागी हो जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ ये बागी हो, और जितना भी बागी है मैंने मेजर विष्णु को कहा हुआ है उनको पकड़ के यहाँ लाओ। जो ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, देखूंगा मैं ये कैसे कश्मीर को ये पाकिस्तान का हिस्सा बनाते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेजर विष्णु मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने तो कहा था सब कुछ कंट्रोल में है। सर सब कुछ कंट्रोल में था लेकिन ये सब अचानक। सर मैं अभी देखता हूँ। जाओ, किसी को गोली नहीं मारनी, जिंदा पकड़ के मेरे कदमों में लाओ। राइट सर, ऐसा ही होगा। विजय बाबू सुना पाकिस्तान में कश्मीर के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। रैलियां? अरे पंडित जी ये जितनी भी रैलियां निकलती हैं, हर रैली में हमारे राग एजेंट्स भी तो होते हैं जो पल पल की खबर हम तक पहुंचाते हैं, और फिर जितने भी रैलियां निकालते हैं थक हार के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं सोचते हैं कि शायद शायद कश्मीर आजाद हो गया। रैलियों से कश्मीर आजाद नहीं होगा और ना हम होने देंगे। हमें अगर चिंता है तो पाकिस्तान के वजीर आजम की है, वो फिर रहा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का जमीर जगा रहा है कश्मीर के लिए,
लेकिन वो जानता नहीं है कि उस समीर पे हम भारत वालों का पूरा कब्जा है। हम उस समीर को कभी जागने नहीं देंगे। अरे विजय बाबू, मैं तो बातों बातों में भूल गया, वो तुम्हारी मुस्की आई हुई है दिल्ली से। मुस्की आई है? इतनी बड़ी खबर पंडित जी अब बता रहे हो? भाई जब आप लोगों ने कर्फ्यू का ऑर्डर किया था, मेरे घर में ठहरी हुई है। अरे ये तो बहुत बड़ी खबर सुना दी तुमने। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ, और रही बात ये कश्मीरी मुसलमानों की, उनको तो हम एक एक करके देख ही लेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदू रहेंगे पूरे कश्मीर में बस। विजय बाबू, इस तरह कुछ ज्यादा मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा? कोई जुल्म नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो कश्मीर है ये हिंदुओं का था, हिंदुओं का रहेगा। ये शहर में रख लो पंडित, हम यहाँ किसी मुसलमान को नहीं रहने देंगे। हमने उनकी इबादत का है तो पहले ही बंद कर दी। लेकिन वो रहमान का भी कुछ करो जो मुझसे बार बार पैसे की चिंता कर रहा है। तुम चिंता ना करो पंडित, उससे मेरी जान छिड़वा दो विजय बाबू, और अपनी मुस्की को ले जाओ। मुस्की के लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़ा ना पंडित, मैं कर लूंगा, लेकिन तू चिंता मत कर। तू जाने तेरे काम। राम राम मुस्की, तुझे तो कब का भय? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गोली मार दूंगा। चलो चलो सर। क्या सर? ये है इस जलसे का लीडर। अच्छा, तो तू है जो कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तू है वो? अब बोलना, अब यहाँ वो नारा लगा के दिखा रहा मुझे। और थोड़ा तो कश्मीरी बनता है, कोई कश्मीरी मुसलमान हमारे हाथों से नहीं बचेगा। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तू राज करेगा कश्मीर पे? कश्मीर चाहिए तुझे? कान खोल के सुन ले, कश्मीर एक जन्नत है, जन्नत। और जन्नत ना कभी किसी काफिर को मिली है और ना मिलेगी। ये जितने भी मुसलमान हैं ये जन्नत के लिए बहुत तड़पते हैं, तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी जन्नत में ना पहुंचा दे। सबसे बेहतर यही होगा कि तू जन्नत में जाएगा। जान जोखिम में क्यों डालोगे? अरे तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। अरे मेरे दोस्त,
कर्नल साहब आई है। ये कौन है? अरे शकुंतला जी अपने विजय बाबू हैं। आइए आइए विजय बाबू। वो है तुम्हारी सत्यम शिवम सुंदरम। अतई सुंदर अतई सुंदर। जान ले रहे हो मुझे? ओ कौन और क्या कर रहे हो यहाँ? मैं मुश्किल। कौन हो तुम? क्या करने? तुम्हें नजर तो आ रहा है कि मैं फौजी हूँ, सादा फौजी नहीं हूँ, फौजी अफसर हूँ, बड़ा अफसर। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात ये है कि तो ये पैसों वैसों का जो मामला है ना इसके साथ पंडित के साथ, फिक्र नहीं करो, वो पैसे मैं दे दूंगा और डबल करके दे दूंगा और तुम्हें यहाँ से सुरक्षित दिल्ली भी भिजवा दूंगा। खुदा ने क्या कह रहा है? भाई कह रहा हूँ इसे छोड़ो, अकेले जाना चाहो तब भी सुरक्षित, और अगर पूरे परिवार के साथ जाओ तब भी सुरक्षित मैं पहुँचा दूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या? मैं रिश्तेदारी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हिंदू की रिश्तेदारी मुसलमान से? क्या बकवास कर रहे हो? हो भी सकती है अगर चाहो तो। मैं तो शराफत से कह रहा हूँ मुस्की का हाथ मेरे हाथ में। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं शराफत से कह रहा हूँ समझता नहीं। Beat!